जब जब टीम मुसीबत में फंसी है गुजरात टाइटंस इस सीजन, तो एक बल्लेबाज ने अपने बल्ले से रनों का योगदान जरूर दिया है। वो नाम है राहुल तेवतिया का। गुजरात टाइटंस इस सीजन की पहली ऐसी टीम जो पहुंच चुकी है टाटा आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में, जिसका श्रेय पूरी तरीके से जाता है इनके सभी खिलाड़ियों को, खासकर राहुल तेवतिया को। सही समय पर जरूरत पड़ने पर रन बनाता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज गेंदबाज कहलाता है। अगर टीम को जब जरूरत है और परफॉर्मेंस करनी है तो यहाँ पर उनको करना चाहिए। ये काम राहुल तेवतिया बखूबी जानते हैं। राहुल तेवतिया की बात करें दोस्तों, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में भी अंतिम समय में जो रन बनाने की बात आई थी, उसका पूरा जिम्मा यहां पर उठाया इन्होंने मिलकर शुभमन गिल के साथ, और अंतिम समय में रन बनाए जो टीम को फायदा दिया, और जो कॉन्फिडेंस ग्रो करने वाली बात होती है वो गुजरात टाइटंस के अंदर नजर आया। राहुल तेवतिया ने इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 22 रन, 4 चौके की मदद से मारे थे। सही समय पर वो 4 चौके आए, वरना टीम का स्कोर 130 या 125 रह जाता। लास्ट के 4 ओवर में करीब 41 रन बटोरे थे शुभमन गिल और राहुल तेवतिया ने। 41 रनों की पार्टनरशिप हुई थी दोनों के बीच। राहुल तेवतिया क्रूशियल मोमेंट पर आए और रन बनाए। शुभमन गिल ने भी 49 गेंदों पर 63 रन बनाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ किलर मिलर के नाम से जाने वाले डेविड मिलर ने भी 24 गेंदों पर 26 रन, 1 चौके 1 छक्के की मदद से मारा था। लखनऊ सुपर जायंट्स चेस करने उतरी तो 26 गेंदों पर 27 रन सिर्फ दीपक हुडा ने बनाए। 4 विकेट गिरे थे, राशिद खान ने उनकी विकेट ली थी, 4 विकेट, 2 विकेट यश दयाल और साई किशोर ने लिए थे, 1 विकेट मोहम्मद शमी के खाते में भी गए थे। लेकिन राहुल तेवतिया को इस सीज़न गुजरात टाइटंस, जो नई फ्रेंचाइजी से इस सीज़न की उन्होंने खरीदा था 9 करोड़ की बड़ी कीमत पर, इन पर दाव लगाने के लिए बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, ये बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज दाव लगा रही थी। लेकिन 9 करोड़ की बड़ी कीमत पर गुजरात टाइटंस ने इन्हें अपने खेमे में शामिल किया था। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, पैसा वसूल खिलाड़ी है। अभी तक इस सीज़न की बात करें तो 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर इंपॉर्टेंट पारी खेली और गुजरात टाइटंस को मैच जिताया, जिस जीत के हीरो रहे शुभमन गिल, क्योंकि उन्होंने 63 रन की पारी नाबाद खेली थी। बात करें राहुल तेवतिया की, तो राहुल तेवतिया ने 12 मैचों की 11 पारियों में 215 रन इस सीज़न बनाए हैं। एक भी 50 नहीं आया, एक भी कह सकते हैं इनका अच्छी बल्लेबाजी ज़्यादा कुछ खास रही नहीं, लेकिन सही समय पर रन बनाए 35 की एवरेज से और 149 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए। छक्के की बात करें, क्रूशल मोमेंट पर आते हैं, लेकिन राहुल तेवतिया सचमुच पैसा वसूल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।